मध्य प्रदेश के सिद्धपुर सीहोर की पावन धरा पर सोमवार को लाखों की संख्या में भगवान महाकाल के श्रद्धालु भक्त रुद्राक्ष प्राप्ति के लिए उमड़ पड़े। इंदौर भोपाल हाईवे बुरी तरह से जाम हो गया। ग्राम चितावलिया स्थित कुबरेश्वर धाम में बनाए गए चारों पंडाल पूरी तरह से हाउसफुल हो गए। यही नहीं, चितावलिया स्थित आसपास के खेतों और गांवों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे सड़कें, हाईवे और सड़कें दो व चार पहिया वाहनों से जाम हो गए। चितावलिया स्थित आश्रम में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की का माहौल बना रहा, जिसके चलते कथा के दौरान ही विश्व विख्यात संत शिव महापुराण कथावाचक भागवत भूषण पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित करने की घोषणा की गई। बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों को कोरियर के माध्यम से ही अभिमंत्रित किए गए रुद्राक्षों को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि पूरे देश के साथ विदेशों से भी सोमवार को बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के श्रद्धालु कुबरेश्वर धाम पहुंचने के लिए सीहोर पहुंच चुके थे। सीहोर शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों की धर्मशालाएं, होटलें पूरी बुक हो चुकी थी। कुबरेश्वर धाम में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बिठलेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं धरी के धरी रह गई थी। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद पंडित श्री मिश्रा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए सीहोर जिला प्रशासन पूरी तरह से पुस्तैद रहा, लेकिन हालातों ने सुधरने का नाम नहीं लिया। हम 4 बजे तक इंदौर भोपाल हाईवे पर 4 लेन सड़क पर 8 लेन के माध्यम से वाहनों को बामुश्किल निकाला जाता रहा। हजारों यात्री तो पहुंच ही नहीं सके, जाम में फंसे रहे, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा। आदर्श न्यूज नेटवर्क मध्य प्रदेश। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।